18 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक की वो फिल्म याद है जो मंडिया और उसके दलालों ने चलाई थी? शायद आप लोग भूल गए होंगे। इन लोगों ने क्या चलाया था, यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, हरियाणा से भी लोगों को उठवा दिया, यूपी से भी उठवा दिया, पंजाब से तो उठवाया ही उठवाया था लोगों को। इन लोगों ने जो फिल्म बनाई थी वो फिल्म भूले तो नहीं होगे ना, भूलना भी नहीं चाहिए। अभी एक बात बताओ, अपने देश के अंदर जो पैरोल मिलती है, पैरोल मिलती है, जैसे उसको रशीद को 2 घंटे की पैरोल दी गई थी, भाई जाना है रहना है, अपना शपथ ग्रहण करके आओ और वापस आ जा तिहाड़ जेल के अंदर। अब अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिल रही है, 4 दिन की पैरोल तो उनके पिताजी का भी वो आया भाई, अगर उनको एक बार परिवार से मिलने दिया जाए, या खडूर साहिब हल्के के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करने दिया जाए। लेकिन पैरोल के अंदर 10 शर्तें लगाई हैं, ये शर्तें है ना, एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये शर्तें मतलब अमृतपाल सिंह के ऊपर लगाई है या पंजाब पुलिस के ऊपर लगाई है, अमृतपाल सिंह के परिवार पर लगाई है, खडूर साहिब के लोगों के ऊपर लगाई है ये जो शर्तें लगाई गई है? दूसरी तरफ जो ऑडियो वायरल कर रहे थे या जो कह रहे थे अमृतपाल सिंह बीजेपी का आदमी है, ये शर्तें देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा अमृतपाल सिंह किसका आदमी है जो 10 शर्तें लगाई गई है। पहली बात तो जो टेम्परेरी पैरोल जो मिली है ना, टेम्परेरी पैरोल मिली है 4 दिन की अमृतपाल सिंह को, वो अंडर सेक्शन 15 और NSA एक्ट 1980 के तहत मिली है, ये बता देती हैं आपको, आपको पता होना चाहिए भाई किस तहत इसको। लेकिन जो 10 शर्तें लगाई गई हैं, ये शर्तें बड़ी अजीब गरीब लग रही है हमारे को तो भाई, इतनी शर्तें किसी और पर भी लगाई गई हैं क्या, कभी किसी पर लगाई गई है? सबसे पहले तो ना आप वो 10 शर्तें सुनिए, क्योंकि हमारे देश में ना बलात्कारियों को पैरोल मिल जाती है, वो घूमते कहीं भी घूमते हैं, लेकिन वो प्रचार प्रसार करते हैं बीजेपी का, इसलिए उनको बार बार पैरोल फरोल सब कुछ दिया जाता है। जिन पर के आरोप साबित हो रखे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और जिस पर अभी तक आरोप कोई साबित नहीं हो पाया है उसके लिए शर्तें लगा दी जाती हैं। शर्तें, शर्त नंबर 1, अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के अंडर रहेगा डिब्रूगढ़ जेल से बाहर निकलने से लेकर वापिस जाने तक, मतलब पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी होगी, पंजाब पुलिस वहां उसको लेने जाएगी, जैसे कदम बाहर रखेगा जेल से वो पंजाब पुलिस के अंडर में रहेगा। और दूसरी बात, जिस समय पार्लियामेंट के अंदर अमृतपाल सिंह रहेगा, नंबर 2 शर्त है, पुलिस उसके साथ रहेगी, लोकसभा स्पीकर के चैंबर में सेक्रेटरी जनरल लोकसभा परमिशन देंगे भाई कितने मुलाजिम उसके साथ अंदर रहेंगे, लेकिन रहेंगे। जब ओम बिरला साहब के चैंबर में शपथ ग्रहण का वो चलेगा ना कल, मतलब 5 तारीख को, तो उस टाइम पर भी पुलिस के मुलाजिम उसके साथ रहेंगे। शर्त नंबर 3, अमृतपाल सिंह दिल्ली की हद से बाहर नहीं जा सकते, मतलब कि अगर नजदीक सोनीपत लग रहा है तो हरियाणा में भी नहीं आ सकता वो, पंजाब तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली की हद में ही रहेगा, दिल्ली की हद में रहेगा, नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 24 घंटे तो पुलिस वाले साथ रहेंगे और पंजाब पुलिस रहेगी साथ में, जिम्मेवारी पंजाब पुलिस की है कि भाई इसका साथ रहना है 24 घंटे। नंबर 4, पैरोल जेल से बाहर निकलते ही शुरू, 4 दिनों के अंदर ही वापस जाना पड़ेगा, मतलब जैसे वो कदम बाहर रखेंगे ना डिब्रूगढ़ जेल से, वो पैरोल के 4 दिन उसके शुरू हो जाएंगे, और यानी कि भाई 4 दिन इधर रहेंगे दिल्ली रहेंगे, उसके बाद 5वें दिन उसको छोड़ के आएंगे नहीं, जेल से बाहर कदम रखते ही उसकी पैरोल शुरू हो जाएगी। अब वो जैसे उसको छोड़ के भी उन्हें 4 दिनों के अंदर आना है कि भाई अंदर 4 दिनों के अंदर अंदर उसको छोड़ के भी आना है। नंबर 5, SSP श्री अमृतसर साहिब बताएंगे अमृतपाल को कहां रखा जाएगा, दिल्ली में सिक्योरिटी चेक करेंगे, जो SSP है अमृतसर साहिब के SSP चेक करेंगे भाई किस जगह पर रखा जाएगा अमृतपाल सिंह को, भाई कौन सी सिक्योरिटी के चेकअप, सब कुछ चेकअप करना है, SSP को चेक करनी वो जगह कि यहां रखा जाएगा अमृतपाल सिंह को, 4 दिनों तक वहीं रखा जाएगा फिर उसको। नंबर 6, अमृतपाल सिंह के पारिवारिक मेंबर ही मिल सकते हैं और किसी से कोई मिलने की इजाजत नहीं है, मतलब परिवार के जो मेंबर हैं माताजी पिताजी या वाइफ है या भाई है ताऊ है चाचा है वो मिल सकते हैं, बाकी उसका कोई सपोर्टर समर्थक कोई नहीं मिलेगा, किसी से भी उसको मिलने नहीं दिया जाएगा। नंबर 7, अमृतपाल सिंह कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो, जैसे कोई ऑडियो वीडियो बनाकर रिलीज करना या कुछ करना, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अगर अमृतपाल देता है तो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ समझा जाएगा उसको, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट उसको देने से बचना है, 4 दिन जब वो दिल्ली में रहेगा 4 दिनों में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता अमृतपाल सिंह, कोई एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता लोग, लेकिन यहाँ जेल से भी स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, ये अभी हमारे देश के अंदर ही है, जेलों से लोग स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, अब ये होना है वो होना है। एक पत्रकार है बहुत अच्छा, पतल चाट है, मन मंडिया का दलाल है एक बहुत बड़ा, वो जेलों में इंटरव्यू ले लेता लोगों के और वो इंटरव्यू वायरल भी होते हैं, अब ले लो, अब तो दिल्ली में है, चले जाओ चिंटू मिंटू सेना के लिए मान मंडिया के दलाल, जाओ जाके इंटरव्यू ले लो, चलो ये बात बाद में करेंगे। नंबर 8, अमृतपाल सिंह के पारिवारिक मेंबर कोई वीडियो नहीं बना सकते ना ही रिकॉर्डिंग कर सकते, जो पारिवारिक मेंबर मिलने जाएंगे उनके पास भले ही फोन हो लेकिन उसकी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते ना कोई उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया या ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसको मतलब डाल दिया कहीं पर भी
तो उसी समय उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, उसके ऊपर भी वही NSA लगेगा, फिर NSA लगाया जाएगा पारिवारिक मेंबर ने कोई भी वीडियो बना लिया तो। ये सोचना परिवार के ऊपर है या अमृतपाल के ऊपर है या पंजाब पुलिस के ऊपर है, ये समझना आपको है, ये जो शर्तें किसके ऊपर लागू की गई है। नंबर 9, DGP ही खर्च उठाएंगे आने जाने और रहने का। DGP पंजाब के जो खर्चे की हुआ होती है ना, उसमें से वही अब उनको बाई एयर आ जाएगा या बाई ट्रेन ले आ जाएगा या फिर भाई उसका रहने की जगह का खाने का सारा खर्चा DGP को उठाना है, सरकार नहीं, DGP उठाएंगे उसका खर्चा, जितना भी खर्च लगेगा, चाहे उसको अब जहाज से ले आओ, बाई रोड ले आओ या बाई ट्रेन ले आओ। और ये बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा कि उसको किस तरीके से ले आ जाएगा, ये किसी को भी नहीं बताना है कि भाई एयर आएगा या भाई बस आएगा या भाई ट्रेन आएगा या भाई गाड़ी लेके आ जाएगा। और उसके ऊपर जितने पुलिस मुलाजिम लगाए जाएंगे उन सब का खर्चा DGP उठाएंगे, DGP उठाएंगे वो सारा का सारा खर्चा जितना भी रहेंगे, है ना, कमाल की शर्तें लगती हैं यहाँ पर। नंबर 10, SP अमृतसर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा से कोऑर्डिनेट बना कर रखेंगे। SP जो अमृतसर के हैं वो कोऑर्डिनेट बना कर रखेंगे कि कब कहां पर, जैसे अमृतपाल सिंह ये तो है नहीं चार के चार दिन वो वहीं पर रहेंगे संसद के अंदर रहेंगे, चार के चार दिन तो संसद के अंदर नहीं रह सकते, वो उनसे कोऑर्डिनेट बनाकर रखेंगे कि कितने पुलिस वालों को इनके साथ रखा जाएगा, कहाँ पे उसको रखा जाएगा, कहाँ पे क्या करना है, मतलब आखिर तक कोऑर्डिनेट बनाकर रखना पड़ेगा। किसके साथ? लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी से, उससे कोऑर्डिनेट बनाकर रखा जाएगा। अब इन शर्तों में एक चीज समझ में नहीं आई, ये शर्तें अमृतपाल के ऊपर है या उसके परिवार के ऊपर है या पंजाब पुलिस के ऊपर है, ये शर्तें हैं किसके ऊपर? 10 की 10 जो शर्तें हैं, ये शर्तें वहां से लागू कर दी गई है, भेज दी गई है, अब ये शर्तें लागू किसके ऊपर हो रही है? बड़ा कमाल का कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा है लोगों को कि भाई शर्त लागू किस पे की गई है, अमृतपाल के ऊपर या खडूर साहब की जनता के ऊपर? उस जनता ने क्या कसूर किया था जिसने वोट डाला था? एक बार उसका धन्यवाद वीडियो तो बनवा सकते हो। अब पैरोल चार दिन की उसी में आना भी हर जाना भी वो चार दिन के अंदर ही शामिल होगा। ये और महीना महीना बाहर रहते हैं जो, जिनके ऊपर आरोप साबित हो रखे हैं, इनके बारे में भी ऐसा एक्शन ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। वैसे एक्शन इनके ऊपर होता ना तो और भी अच्छा रहे, उनको पैरोल दी जाती हो, कहीं पर घूमो कुछ करो, पैरोल भी दे रहे हो, एहसान भी कर रहे हो, और मतलब एहसान को इस टाइप पे दिखा रहे हो कि भाई हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, देखो पैरोल दे दी है, पैरोल दे दी है। लेकिन ये पैरोल ऐसी शर्तों के ऊपर, किन में से आप कौन सी शर्त को सही मानते हो? भाई ये शर्तें सही हैं या गलत है, ईमानदारी से कमेंट में अपनी राय रखना, भाई ये शर्त ठीक है, ये गलत है या क्या है। सभ्यता के दायरे में रहते हो आप, कमेंट कर सकते हो, जो ये 10 की 10 शर्तें लगाई गई हैं इन पर सभ्यता के दायरे में। और पैरोल तो यहाँ पर बलात्कारियों को हत्यारों को भी मिलती है, उनके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होती, उनके ऊपर कोई शर्त क्यों नहीं लागू होती? और दूसरी बात है, मंडिया और उसके दलाल, ये तो आप तो परमिशन ले सकते हो जनरल सेक्रेटरी लोकसभा से कि अमेरिका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेके देख लो, पूरी दुनिया देखेगी उस वीडियो को, ये गारंटी है, पूरी दुनिया उस वीडियो को देखेगी अगर उसका इंटरव्यू ले लोगे तो। लेकिन हिम्मत चाहिए फिर उसके लिए, हिम्मत भी तो चाहिए ना, वो हिम्मत चिंटू मिंटूज या छोटे छोटे पपीज में कभी नहीं हो सकती, इनमें कभी नहीं हो सकती ये हिम्मत, ये लेके भी नहीं आ सकते। और ऊपर से जो पंजाब के अंदर बोला जा रहा है, अगर अमृतपाल सिंह को पैरोल मिल रही है, भाई वो बोल रहे हैं आपके जाखड़ साहब बोल रहे हैं पंजाब में BJP के जो हैं अध्यक्ष हैं, भला लॉरेंस बिश्नोई को भी पैरोल दे देनी चाहिए, है ना, गजब के तर्क देते हैं ना ये लोग, ऐसे तर्क देते हैं लोग। क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में आपकी? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।